जय गुरु। आज का आलोचना है कि अश्विंदा पूछ रहे हैं कि जो लोग सदगुरु का दर्शन हुआ है वो लोग तो मृत्यु के समय सदगुरु का साक्षात पाएंगे, उसी समय तत्क्षणात मुक्त हो जाएंगे। यदि नहीं होंगे तो साक्षात या दर्शन पाने का क्या लाभ है। श्री श्री ठाकुर बोल रहे हैं यहाँ पे जीव उन्मुक्त न हो के जो लोग मर जाते हैं वे सब मृत्यु के समय सदगुरु के साक्षात पा के यही लाभवान होते हैं कि अकेले अनिर्दिष्ट पथ में जाने का भय नहीं होता है, अंधार में घूमने ना पड़े, उनका आश्रय पा के तत्काल में भीत नहीं होंगे और यहाँ जीवन में जितना उन्नत हुए हैं जैसा जीवन पाने के बाद जो काम किए थे वैसे जन्म लाभ करेंगे। जो सब असत कर्मफल था वो सब विध्वस्त हो जाएगा और उसके लिए निम्नतर योनि में जन्म नहीं होना पड़ेगा। वैसे मनुष्य मर के मानव के व्यतीत अन्य जन्म तो लेना नहीं पड़ेगा, वरुण मानव के बीच में उन्नत चरित्र का मानव हो के जन्म लाभ करेगा। अश्विंदा पचारुछन्ति, अच्छा जेउ मानंकर सद्गुरु लाभ होइछि सेमाने तो मृत्यु समय सद्गुरुंक साक्षात पाइबे, ता फळरे सेमाने तत्क्षणात मुक्त हेबे। जदि ता न हुए तेबे साक्षात पाइबारे लाभ कौन। श्री श्री ठाकुर कहउछन्ति एठारे जीव उन्मुक्त न होइ जेउ माने मरिबे सेमाने मृत्यु समय सद्गुरुंक साक्षात पाई एही लाभवान हेबे जे एकाकी अनिर्दिष्ट पथरे जीवा पाई भय पाइबेनी, अंधारे रे बुलिबेनी, तांको आश्रय पाई तत्काल रे भीत हेबेनी। आउ ए जीवन रे जेते दूर उन्नत होइतला जेपरी जीवन पाइले ता परठार काम करि पारंती सेई परी जन्म लाभ करिवे। जेउ समस्त असत कर्म फल थिला ता ध्वंस होइ जीव एवं तत् जोगु निम्नतर जुनी रे जन्मयाकु हेबो नाही। सेहीपरि मनीष मरी मानव छड़ा अन्य जन्म तो पाइबा नाही, बरं मानव मध्यरे उन्नत चरित्रर मानव होई जन्मिव। जय गुरु।